वीडियो के माध्यम से ज्वाला माँ के दर्शन, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय माता दी। तो वेलकम टू माय ब्लॉग। और जैसे कि आप देख रहे हो, अब हम ज्वाला जी के मंदिर में जाने वाले हैं। आसपास का ये नज़ारा देखो, ये मार्केट के अंदर से मंदिर का जो रास्ता है। तो आप चलते रहिए, आइए हम आगे चल के आपको मंदिर का द्वार दिखाएंगे। और अंदर ये आप देख रहे हो डिस्प्ले पे, यहाँ पे ये डिस्प्ले है और यहाँ पे ज्वाला माँ के दर्शन है। ये डिस्प्ले आप देख रहे हो, यहाँ पे ज्वाला माँ के दर्शन है। डिस्प्ले की तरफ जूम करके देखो, बाकी यहाँ पे अच्छा। बाकी जो यहाँ पे है चारों तरफ मार्केट का एरिया, मार्केट के अंदर से हम निकल कर जा रहे हैं। अच्छा, अंदर जा रहे बैग वगैरह। ये देखिए, ये ज्वाला, ये देखिए यहाँ पे मार्केट जो है, इधर कैमरा मूव कर रहे हैं। तो जय माता दी भक्तों, जैसे कि आप देख रहे हो कि हम मार्केट की तरफ जाते हुए ज्वाला माँ के मंदिर में जा रहे हैं। और यहाँ पे मार्केट में हर तरह का सामान मिलता है। जूते जूते भी मिलेंगे। आगे खो गए हमारे एक साथी के जूते, खो गए। तो ये है उनके, ये लिए देखिए लेने वाले हैं यहाँ पे। जैसे कि आप सभी को पता है, हिमाचल में माता ज्वाला जी का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। शक्तिपीठ, शक्तिपीठ मंदिर है ज्वाला माँ का। तो हम आपको ज्वाला जी के दर्शन भी कराने वाले हैं। तो कैमरा भी हम चल रहे हैं, देखते हैं आप। तो भक्तों, आप जैसे कि देख रहे हो, ये मार्केट जो है ज्वाला माँ के रास्ते से जाते हुए, यहाँ पर सभी प्रकार का सामान मिल रहा है। अब ये देखो, ये गठिया जोड़ का है दर्द का, एक गांठ लहसुन, और यहाँ पर शुगर की दवाई भी मिल रही है। आप आए और ले जा सकते हैं। जैसे कि अब हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं और मंदिर का आपको रास्ते का पूरा आराम से चित्र दिखा रहे हैं। आराम से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं मंदिर के, हम बिल्कुल करीब पहुंचने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर। तो फिर एक बार जयकारा लगा दो, बोलो जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें वीडियो को। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश में ज्वाला माँ का स्थित है मंदिर, ये देख रहे हो आप, ज्वाला जी का मंदिर है। अभी मंदिर के अंदर जाने वाले हैं, मंदिर के अंदर देखो रोने वाले हमारे। जय ज्वाला माँ। जय माता दी भक्तों, जैसे कि हम मंदिर के बिल्कुल मेन द्वार पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर कैमरा जो है हमारा अलाउड नहीं है। फिर भी जितना हमारा रिकॉर्ड हो सकता है उतना हमने किया है। ये चरण है माता के और अब हम जा रहे हैं ज्वाला माँ के मंदिर में मेन द्वार पर। अंदर कैमरा ले जाने नहीं देंगे, जितना आपको दिखा सकते उतना मैंने आपको दिखाया। बाकी हम फिर दर्शन करने के बाद थोड़ा बहुत आप झलक देख लोगे माता के दर्शन की, उसके बाद हम आपको वीडियो में बाहर की तरफ मिलते हैं। तो अभी जयकारा लगाएंगे जय ज्वाला माँ। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे भीड़ है, और मना यहाँ पे अनाउंसमेंट होती रहती है कि कैमरा नॉट अलाउड, कैमरा नॉट अलाउड। तो आप देखो, अभी फिर भी थोड़ा बहुत दिख जाएगा आपको। ये देखो, देख रहे हो। जय माता दी भक्तों, अभी हम मंदिर के दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। ज्वाला माई के दर्शन करके इधर पर बैठ लेता है। जय ज्वाला माँ, बाहर की तरफ इधर देखो, सारे में मंदिर है। आइए अब हम चलते हैं इधर। आप देखो, इसमें आपको मिलेगा जो अकबर के द्वारा भी चढ़ाया गया छत्र था, वो अभी हम आपको इसके दर्शन कराएंगे। चले हमारे साथ आइए। तो मैं ले जाना नहीं देता भाई। तो जय माता दी भक्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको अंदर ज्वाला माता के दर्शन कराए हैं, अब हम यहाँ पे दूसरे मंदिर में आए हुए हैं, जहाँ पर की प्राचीन समय की ज्वाला माता की मूर्ति लगी हुई है। तो जय ज्वाला माँ। तो यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर अकबर ने माता को छत्र चढ़ाया था। तो अभी हम दिखाएंगे आपको कि अकबर का जो छत्र है वो भी यहाँ पर है। ये देखो आप, अकबर का चढ़ाया हुआ छत्र, फोकस करो उधर।
और अकबर के द्वारा चढ़ाया गया छत्र उन्होंने सोने में चढ़ाया था, पर माता ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और वो अलग अलग धातुओं में बदल दिया है। तो जय ज्वाला माँ, जय भक्तों, यहाँ पे माता के चरण है। जय ज्वाला माँ, तो आप देख सकते हो ये शक्तिपीठ माता के चरण है। फोकस की तरफ, ये जय ज्वाला, इधर देखो, जय ज्वाला, जय डोगरा। तो ये शक्तिपीठ माँ ज्वाला जी के चरणों की इस ध्वज का निर्माण कर 21वीं बल्टानियन डोगरा, ये ऊपर देखो आप, जय ज्वाला माँ माता के चरणों का ध्वज निर्माण किया गया है। तो मिलते हैं अभी के लिए, जय माता जी। तो जय माता जी भक्तों, यहाँ से रास्ता जो जा रहा है मंदिर की तरफ जा रहा है, और ये ऊपर की तरफ गोरख टिप्पी जा रही है, गोरख टिप्पी जो कि अभी थोड़े समय के लिए बंद कर दी गई है क्योंकि आरती हो रही है माता की। तो अभी हम थोड़ी देर बाद गोरख टिप्पी जाएंगे और आप सभी के दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो भक्त अभी हम प्रवेश कर रहे हैं गोरख डिब्बी में, गोरख डिब्बी में आपको दर्शन कराएंगे और जितना हम गोरख डिब्बी का रिकॉर्ड कर सकते हैं उतना आपको दिखाएंगे। देखो चढ़ रहे हैं गोरख डिब्बी की तरफ, ज्वाला माँ की और गोरख डिब्बी की जो स्थान बना हुआ है वो साथ साथ में ही है, इसी के अंदर मंदिर है, इसी के अंदर ज्योति है, माँ की ज्योति है ज्वाला माँ की।